नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर 2018 के लिए मिथुन राशि का राशिफल क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार यह जो महीना है अक्टूबर 2000, इस महीने में जो महत्वपूर्ण ग्रहों का बदल हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो आपसे मैं कहना चाहूँगा वो है गुरु के बारे में। गुरु ग्रह के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी हमारी धारणा भी होती है कि किस तरह से गुरु सभी राशियों पर असर डालेगा। तो यह जो गुरु है वो करीबन 11.5 महीने तक एक राशि में रहता है, या फिर आप पकड़ के चलो कि एक साल तक पूरे एक राशि में रहता है। वह गुरु करीबन 11 अक्टूबर के दिन यह गुरु अपनी राशि बदल रहा है। मतलब अभी तक यह जो गुरु है वह तुला राशि में था, वह अभी वृश्चिक राशि में जा रहा है। उसी प्रकार जो बुध है, बुध ग्रह भी अपने कन्या राशि से तुला राशि तक और तुला राशि से वह फिर वृश्चिक राशि में जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण दूसरी एक बात है वह है शुक्र के बारे में। शुक्र के जो करीबन 1 महीने के लिए एक राशि में रहता है, लेकिन अभी वह जो शुक्र है वह शुक्र वक्री भी होने जा रहा है। तो वह शुक्र आपके पंचम भाव में, मतलब तुला राशि में, वह जो शुक्र है वह शुक्र करीबन आगे के 3 महीने तक आपके पंचम भाव में रहने वाला है। तो जो गुरु का बदल है वह और जो शुक्र आपके पंचम भाव में करीबन आगे आने वाले 3 महीने तक रहने वाला है, वह वक्री मार्गी होकर वहां पर 3 महीने तक रुकेगा। तो वह आपके राशि पर क्या असर डालेगा उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप इस कुंडली में देखें तो आपके पंचम भाव में बहुत से ग्रह आ रहे हैं जो कि शुभ है। मतलब जो पंचम भाव होता है कुंडली का वो शुभ भाव होता है, तो वहां पर अगर ग्रह आ जाए तो वो अपनी जो शुभ फल होते हैं वह अधिक तीव्रता से देना शुरू कर देता है। तो आपका ये जो तृतीय है, आपके तृतीय भाव में सिंह राशि, जो तृतीय रवि है वह रवि आपके पंचम भाव में आ रहा है। तो जो भी आप सोच रहे थे करीबन पिछले 1.5 से 2 महीने तक, मतलब किस तरह से हम काम करेंगे, किस तरह से परिस्थिति को आगे बढ़ाएंगे, या फिर कोई योजना पे अगर आप काम कर रहे हो तो वह योजना उसके बारे में आइडियाज भी आपके मन में थे, क्योंकि आपकी राशि है, आपकी राशि में आइडियाज बहुत सारे रहते हैं। एक ही बार आप कई कई मसलों पर सोचते हो और कई तरह के आइडियाज आपके मन में हमेशा चलते रहते हैं। तो वह जो आइडियाज थी जो आपके मन में थे, वह आइडियाज अभी प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयत्न करोगे, और आपको लगेगा भी इस अक्टूबर महीने में जो आप सोच रहे थे उसी तरह से जो घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, वो बदल रही है। इसी वजह से जो आपके जो सोच रहेगी वो सोच बहुत ज्यादा अच्छी और पॉजिटिव भी रहेगी। आपके जो बहन या फिर भाई हो रहेंगे उनसे भी आपको इसी कोई योजना में मदद मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा आसार है। उसी प्रकार आपका जो चतुर्थेश है, आपका चतुर्थेश बुध है, वो बुध भी आपके पंचम भाव में आ रहा है। तो ये जो रवि है, मतलब तृतीयेश और चतुर्थेश की युति आपके पंचम भाव में भी हो रही है, तो घर के जो मामले हैं वो भी आप निपटने में पूरी तरह से कामयाब होगे, क्योंकि यह जो तृतीयेश है, तृतीयेश चतुर्थेश जो आपका रवि और बुध की युति आपके पंचम भाव में हो रही है, तो घर के अगर कोई मसले हो जो कि करीबन कई महीनों से आपके दिमाग में चल रहे थे, तो उसके ऊपर आप पूरी तरह से काबू पाओगे इस अक्टूबर महीने में। तो वह जो बात है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह आप खुद के बारे में भी अगर कुछ सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तीसरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो पंचमेश है, आपका जो पंचमेश है वो पंचमेश आपका शुक्र है, वो पंचम स्थान में, मतलब उसी की राशि में करीबन आगे के 3 महीने तक रुकने वाला है। और यह जो शुक्र है वह शुक्र आपका व्ययेश भी है। तो 2-3 बातें आपको यह जो अक्टूबर महीना है उसमें नजर आएगी। पहली महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप किसी स्टेज या फिर जिसे हम बोलते हैं एक्टिंग, स्टेज शो या फिर फिल्म इंडस्ट्री, इनसे अगर आप रिलेट करते हो, तो आपके लिए यह जो महीना है अक्टूबर 2018 का बहुत ही शुभ है। आपको बहुत ज्यादा तरीके से काम मिलने वाले हैं जो कि पॉजिटिव भी रहेंगे, बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी, उसका पूरी तरह से लाभ लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप किसी धार्मिक कार्य में हो
धार्मिक कार्य में लीन हो या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हो या फिर ऐसे किसी ग्रुप से ज्वाइन करते हो, तो मेरे ख्याल से यह जो महीना है वो आपके लिए बहुत बहुत शुभ है। आपका जो माइंडसेट है वो भी स्टेबल रहेगा। हालांकि मिथुन राशि का माइंडसेट ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता, लेकिन यह जो महीना है इस महीने में आपका जो पंचमेश है वो पंचम स्थान में वक्री होकर भी रहने वाला है कई महीनों तक, तो इसकी वजह से आपकी जो मानसिकता है वह स्थिर रहेगी। उसी प्रकार अगर आप किसी पिकनिक या फिर आउटडोर गेम्स में या फिर इस ऐसे कोई जो ये है उसमें अगर आप ये रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो वह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। पिकनिक पे जाना, मज़े करना, यह भी बात आपके लिए इस महीने में हो सकती है। तो बहुत अच्छा समय है, उसका पूरी तरह से लाभ आपको लेना चाहिए। तीसरी चौथी महत्वपूर्ण बात, अगर आप शादीशुदा हो या फिर आपकी संतान हो, खास करके अगर आपकी लड़की हो, तो उसके सेहत के बारे में थोड़े बहुत आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ सकते हैं। मतलब उसके सेहत के बारे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना, ऐसी बात आपको नज़र आ सकती है। तो ऐसे अगर कोई लक्षण आपको दिखाई दे तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप किसी के प्रेम में हो, प्यार में हो, तो और शादी करना चाहते हो, तो यह जो समय है, यह पूरा महीना है अक्टूबर 2018 का, यह जो पूरा महीना है वो पूरा महीना शुभ है आपके लिए। आप शादी के बाद बात आगे बढ़ा सकते हो, या फिर किसी के साथ अगर आप प्यार करते हो और इजहार करना चाहते हो, तो भी यह जो महीना है वो महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ है। आपकी शादी हो सकती है, उसके लिए हाँ भी भर सकते हैं घर के लोग और जो आपके इन लॉज होंगे वो भी, तो उसके वो उसी बात को लेकर बहुत ही अच्छा आपके लिए महीना है। उसके बाद अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, मतलब शेयर मार्केट या फिर इसी तरह से कोई आर्थिक लाभ से अगर आप डील करते हो, तो भी आपके लिए यह जो महीना है महीना बहुत बहुत शुभ है। मैं तो यह कहूँगा कि आप रिस्क अगर ले रहे हो, सोची समझी रिस्क अगर आप ले रहे हो तो आगे पीछे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हुए आप डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो भी आपको जो लाभ है वो लाभ बहुत ही अच्छी तरह से मिलने के चांसेस है। तीसरी बात, यह जो जो बुध है वो बुध करीबन 27 तारीख के बाद आपके षष्ठम स्थान में जाएगा, और गुरु है वो गुरु 11 तारीख के बाद आपके षष्ठ स्थान में जा सकता है। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि षष्ठ स्थान वैसे तो अशुभ माना जाता है, लेकिन यह आपके पंचम भाव में बहुत सारे ग्रह होने के कारण यह जो बात है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस वाली, टेंशन वाली कौन सी भी बात आपको इस महीने में नहीं लगेगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आपको अनुभव होगी वो है कि करीबन पिछले दो ढाई महीने से आपकी सेहत के बारे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, वो अभी पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। खास करके जो विवाहित है, जो गृहिणी है, उनके उनके ससुराल के साथ कुछ न कुछ तो बड़े कॉम्प्लिकेशंस सितंबर महीने में आपने देखे होंगे, तो वो जो बात है वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। और वो नॉर्मल करने में आपका जो रोल है, आपकी जो भूमिका है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि अक्टूबर महीने में आप देखोगे कि आप जैसा सोच रहे हो उसी प्रकार घर का जो मामला है वो आगे चल रहा है। तो इन सभी अगर बातों पे सोचा जाए तो अक्टूबर महीना है वो अक्टूबर महीना आपके लिए मिथुन राशि के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ है। उसी प्रकार अगर आप किसी आध्यात्मिक या फिर धार्मिक ग्रुप से ताल्लुकात रखते हो या फिर उसमें अगर आप ज्वाइंट हो, तो आपके लिए भी यह जो महीना है वो महीना बहुत ही अच्छा और शुभ है, क्योंकि आपको किसी प्रकार के इंट्यूशंस जो बोलते हैं वो इंट्यूशंस भी आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। मतलब कोई संदेश आपको मिल सकता है जो कि आपके फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, या फिर अगर आप आध्यात्मिक या धार्मिक मार्ग में नहीं हो तो भी ऐसे कोई प्रस्ताव या फिर ऐसे कोई आपको अनुभव आ सकते हैं जिसकी वजह से आप उस धार्मिक मार्ग में या फिर आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ सकते हो। तो इसी प्रकार यह जो पूरा महीना है वो पूरा महीना आपके लिए शुभ है। अभी देखिए 7, 8, 9 इन तारीख को बुध प्रतियोग हर्षल यह योग हो रहा है आपके पंचम और लाभ स्थान से। तो यह जो तारीख है, यह तारीख आप नोट कर लीजिए, जिसकी वजह से इस तारीख को
आपके जो संतान होगी वो संतान की जो बिहेवियर होगी उससे आपको आपसे उसके लिए आप थोड़ा नाराज होंगे, उसके लिए आप ही थोड़ा बहुत जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपका जो लाड़ प्यार है उसी के लिए चलते हुए आपकी जो संतान है वो थोड़ी अलग थलग बिहेव कर रही है, तो उसके उसी वजह से आपके आपका जो मन रहेगा वो थोड़ा बहुत नाराज होने के चांसेस है। उसी प्रकार बुध केतु मंगल, बुध केंद्रीय मंगल ये भी 18, 19, 20 तारीख को हो रहा है आपके पंचम भाव से आपके अष्टम भाव में, तो कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से जो ससुराल के लोग होंगे उसके ऊपर आप ओवर पावर करोगे, मतलब उनको कोई चीज आप समझा के रखोगे या फिर उनके साथ कोई तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसमें जीत आप ही की होगी, मतलब आप जिस तरह चाहते हो उसी प्रकार से घटनाएं हो सकती है। यह जो दिन है 18, 19, 20 उसमें आपको थोड़े बहुत कष्ट हो सकते हैं, मतलब आपका जो हेडेक है मतलब स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगा आपके, जैसे मैंने अभी कहा कि थोड़े विवाद विवाद भी हो सकते हैं, इसके लिए आपका जो स्ट्रेस लेवल है थोड़ा ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा और थोड़ा बहुत आपका सिर दर्द वगैरह बोलते ऐसी कुछ बातें हो सकती है। रवि प्रतियोग हर्षल 22, 23 और 24 इन तारीख को हो सकता है, मतलब यह जो रवि आपके पंचम स्थान में है उससे वो हर्षल का प्रतियोग हो सकता है 22, 23 और 24 तारीख को। तो इन दिनों में क्या होगा कि जो भी आप सोच रहे थे और प्रत्यक्ष रूप में जो भी कल्पना आप ला रहे थे तो उसके बारे में कुछ न कुछ तो ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से यह जो कल्पना आप प्रत्यक्ष रूप में लाने की प्रयत्न कर रहे हो उसमें कुछ न कुछ तो बाधा आ सकती है, लेकिन चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो दिन है वह दिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे सभी जो प्रॉब्लम्स या फिर कॉम्प्लिकेशंस है वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अभी देखिए हर एक महीने में हर एक राशि के लिए कुछ ना कोई शुभ या अशुभ दिन होता ही है, तो आपके आप अगर पेन या फिर जो नोटपैड होता है वो तैयार रखिए, मैं आपको अशुभ दिन बताऊंगा। इन अशुभ दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि अपनी जो मानसिकता होती है वो मानसिकता इन दिनों में इतनी अच्छी नहीं रहती, तो जो भी महत्व यदि पे आपने देखा होगा अभी तक कि आपके लिए जो अक्टूबर का महीना है वो बहुत ही शुभ है, तो शुभ होने के बावजूद कभी कभी अपनी जो मानसिकता होती है वो मानसिकता इतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि यह जो मैंने अभी गिनवाए आपके ग्रह आपके लिए जो ग्रह योग है जिसकी वजह से आपकी मानसिकता किस तरह से होगी, तो अभी मैं अशुभ दिन आपको बोलूंगा, उस अशुभ दिन में किसी भी प्रकार के जो मेजर डिसीजन होते हैं महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो नहीं लेना। तो अक्टूबर महीने के 12, 13, 16, 17, 27, 28 और 29 यह जो दिन है इन दिनों में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो यह जो दिन है यह दिन आप थोड़े बाजू में रखो, बाकी के जो दिन है उनमें आप अगर डिसीजन लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती। तो मित्रों ये था मिथुन राशि के लिए अक्टूबर 2018 के लिए राशिफल। यह राशिफल आपको कैसे लगा, आपने किस तरह से उसका अनुभव किया, यह अनुभव आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ही जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।